हे गाइस, साहिल यार। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी डाइट के ऊपर कि अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो उस टाइम में आपको क्या खाना चाहिए और क्या इग्नोर करना चाहिए। और काफी सारे बंदों को मतलब ऐसी दिक्कत होती है, भाई उनको पिंपल हो रहे हैं, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज की जो वीडियो है पूरी इसी के ऊपर है, आप इस वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और जो भी अगर कन्फ्यूजन है आपको कुछ भी, तो वो पूरी इस वीडियो में खत्म होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहना, लास्ट तक स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको की छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और स्मार्ट सोच फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करो। और इंस्टाग्राम पर नहीं गए हो तो अभी तक तो चले जाओ, वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी, तो चले जाना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आप खाते हो तो जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होते हैं, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पाते और लेकिन वो बताने के लिए आपका भाई जिंदा है। तो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या खाना है और सेकंड में हम देखेंगे कि आपको क्या नहीं खाना है। तो फर्स्ट में जो हमारे पास टिप आती है वो होती है वाटर। तो अब एक्चुअली वाटर को खाना नहीं है, वाटर को पीना है, मुझे पता है। तो आपको जब आप सुबह में उठते हो सो के, तो आपको बिना कुछ खाए पिए मतलब आपको 1 लीटर पानी पीना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी सही रहती है और अगर आपकी जो पिंपल्स की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी जो फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप सुबह उठते हो बिना ब्रश किए आपको 1 लीटर वाटर पीना है। और जो वाटर है वो थोड़ा सा ल्यू वार्म होना चाहिए, वो ज़्यादा ना ठंडा हो, ज़्यादा ना गर्म हो, वो नॉर्मल होना चाहिए। और अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो गिलोय घनवट्टी, और ये एक मेडिसिन है। और यार मतलब मैं एक बात बताऊँ, पर्सनल बात, मतलब मैं जब भी कोई अपने चैनल पे मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ तो काफ़ी सारे बंदे को कमेंट आते हैं, भाई डॉक्टर है क्या तू, भाई बताना, ये बताना डॉक्टर है, निकल पहली फुर्सत में, निकल पहली टिकट निकाल और भाग उधर, ऐसे कमेंट काफ़ी सारे आते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये सब इसीलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया और जो मुझको खुद इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। नहीं तो मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूं। और इसको इंटेक्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा कोई फालतू कमेंट करने से पहले। तो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो फिर आप वाटर के साथ जो गिलोय घनवट्टी टैबलेट्स होती है पतंजलि की, वो आप ले सकते हो। इससे आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी, और जिन बंदों से कंट्रोल नहीं होता उनके पिंपल्स, तो आप ये गिलोय घनवट्टी यूज़ कर सकते हो, इससे आपके जो पिंपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे। और प्लस अगर आपके जो पिंपल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आप नीम घनवट्टी ऐड कर सकते हो, इससे आपके जो पिंपल्स है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। और फिर उसके बाद आपको पूरे दिन में 4 से 5 लीटर जो वाटर है वो कवर करना है, इससे आपके जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। सेकेंड जो हमारे पास है वो है काले चने। और जब आप सुबह में पानी पी लेते हो तो पानी पीने के बाद आपको फ्रेश होने के बाद आपको काले चने खाना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो पूरी दूर हो जाती है और आपकी जो हेल्थ है वो इससे काफ़ी सही रहती है। और काले चने में आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी सही है। तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर लो, वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। थर्ड हमारे पास जो है वो है आंवला और एलोवेरा जूस। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करनी है, आंवला ऐड कर लो या फिर आपको एलोवेरा जूस ऐड करना है। और इसको आपको सुबह में टाइम लेना है, और इसको मैं भी लेता हूँ, काफ़ी सही है ये। और इससे जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी दूर रहती है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो, एलोवेरा और आंवला के फायदे वो आपको बता देंगे। तो ये हमेशा से ही काफ़ी सही है, और इससे आपकी जो जितनी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी सही हो जाती है, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में। और अगर आप चाहो, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, तो फिर आप दोनों एलोवेरा और आंवला जो जूस है वो दोनों को आपको मिक्स करके पीना है, इससे आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सही हो जाएगी। फोर्थ हमारे पास है वो है ग्रीन वेजिटेबल। और यार जितना हो सके आपको ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी ज़्यादा खानी है, इससे क्या होगा कि मतलब आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी सही हो जाएगी, और प्लस आपकी स्किन पर इससे ग्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आता है। और खासकर गर्मियाँ चल रही है और इस टाइम पर खीरे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो आप खीरे भी खा सकते हो, इससे आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। फिफ्थ और लास्ट हमारे पास जो है वो है फ्रूट्स। और फ्रूट्स खाने आपको काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इससे आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, आपका फेस काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है। और आप कोशिश यही रखो कि जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप खाओ, इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। और मैं तो हमेशा खाता हूँ, और स्किन अब कैसी है आपको पता ही होगा। काफ़ी सारे बंदे पूछते भी हैं, भाई क्या खाते हैं बता दे, तो राज सारा बता दिया मैंने आज। तो अब बात आती है कि हम क्या ना खाएं। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास है वो है ऑयली फूड। तो सबसे पहले तो आपको ऑयली फूड इग्नोर करना है, जैसे जैसे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं उनका मुंह नहीं रुकता यार, जब भी बाहर जाते हैं तो फिर वो ऑयली फूड काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, और बाहर का ऑयली फूड खाने से आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्लस जितनी भी आप ऑयली चीज़ें खाओगे वो जो आपका ऑयल है वो आपके फेस के थ्रू बाहर आता है या फिर आपके स्वेट से बाहर आता है, जिससे आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, और प्लस आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली ऑयली फेस पे काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसीलिए आप ऑयली फूड जितना हो सके उसको आप इग्नोर करो। और बर्गर पिज़्ज़ा मतलब जब तक आपको पिंपल्स हो रहे हैं तब तक तो आप इसको इग्नोर करो, उसके बाद जो आप मन करे तो आप खा सकते हो।
सेकंड हमारे पास है वो है स्पाइसी फूड, और जितने मसालेदार मतलब जो खाना होता है वो भी आपको नहीं खाना, फास्ट फूड जो होता है वो सब आपको नहीं खाना, और ये सब जो चीज़ें हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिससे आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकता है और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जगह से जगह से आपको दाने होने लगेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जितना हो सके आप स्पाइसी फूड को इग्नोर करो। थर्ड हमारे पास जो है वो है शुगर, और आपको ये शुगर पूरी इग्नोर नहीं करनी, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम बंदों को होती है, लेकिन जिन लोगों को होती है उनको पता चल जाएगा। अगर आप मीठा काफ़ी ज़्यादा खाते हो, और आपको खुद नोटिस करनी पड़ेगी ये बात, अगर आप मीठा काफ़ी ज़्यादा खाते हो तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो फिर आप मीठा कम खाना शुरू कर दो, क्योंकि शुगर ज़्यादा खाने से भी आपको जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आप हो सकता है ट्रस्ट ना करो बट रियलिटी यही है। अगर आपको लगता है कि आपको मीठा खाने से जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो फिर आप इसको इग्नोर करो, आप जितना हो सके उतना कम खाओ वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी के साथ जो हमारे पास फोर्थ और लास्ट टिप है वो है अवॉइड साल्टी फूड आफ्टर मिल्क। तो काफ़ी सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि दूध पीने के बाद वो कुछ नमकीन सजुच मतलब होती है ना, नमकीन खा लेते हैं या फिर कुछ भी साल्टी फूड होता है वो खा लेते हैं, और ये काफ़ी बुरी आदत है यार। जब भी आप ये गलती करते हो तो इससे आपका जो फेस है वो ख़राब हो सकता है, और दोनों चीज़ें रिएक्शन करिए मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है, और ये प्रॉब्लम हर बंदे को नहीं होती, तो जिनको होती है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको इग्नोर करो, आपको दूध पीने के बाद कुछ भी साल्टी फूड नहीं खाना। तो ये सब टिप्स मैंने आपको दी है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप कर लेना, जिससे क्या होगा आने वाली जो मेरी वीडियोस है वो आप मिस नहीं कर पाओगे। और अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं गया हो तो अभी जाओ, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज है, वीडियोज है, जाके आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और बस हम मिलेंगे ऐसी दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।